चिरकुंडा ब्रह्मस्थान जुनकुंदर स्थित मंगल मूर्ति धाम में 7 दिवसीय श्री राम कथा में 5वें दिन हरिद्वार से आई कथा प्रवक्ता देवी राधा किशोरी ने कहा कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। आनंद रूपी राम मिल जाए तो हमेशा उत्सव ही रहेगा। राम के दर्शन के बाद भी लोग इधर उधर भागे, वे सच्चे भक्त नहीं हो सकते। जिनका नाम लेने से जीवन में सुख भर जाए वे सिर्फ राम ही हैं। संसार दुखालय है, सब कुछ होने के बाद भी लोग आज सुखी नहीं हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन की कमी से दुखी है, किसी न किसी चीज की कमी रह जाती है। यहाँ तक कि इंद्र भी सुखी नहीं है। जिस दिन राम के बन जाओगे उस वक्त ही जीवन आनंदमय बन जाएगा। प्रभु राम के द्वार पर ही बेसहारा को सहारा मिलता है। जो राम का विरोध करते थे वे भी आज राम का नाम लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं। कथा श्रवण में मुख्य जजमान के तौर पर अमन सिंह, अंजू सिंह, अजय सिंह, रीता सिंह, मनोज सिंह, प्रतिमा सिंह उपस्थित रहे। बतौर मुख्य अतिथि कुलटी विधानसभा के विधायक डॉक्टर अजय पुदार सहित सैकड़ों की संख्या में राम भक्त कथा को श्रवण। आज राम कथा का 5वां दिन है। देवी राधा किशोरी जी के श्री मुख से मंगल मूर्ति धाम के इस पावन धरती पर राम कथा का आयोजन हो रहा है। मंगल मूर्ति धाम के वार्षिक उत्सव और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में माताएं, बहनें एवं नौजवान साथी, बच्चे इस कथा का आनंद ले रहे हैं। हम यहां पर धर्म उत्थान समिति के माध्यम से क्षेत्र में यही हमारा संकल्प है कि धर्म समृद्ध समाज का निर्माण हो, लोगों में सौहार्द, सद्भावना और प्रेम का संचार होते रहे, वैचारिक उन्नति हो लोगों में, यही उद्देश्य को लेकर धर्म उत्थान समिति प्रत्येक वर्ष क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहता है। और हमारा आयोजन जो है सफल तभी माना जाता है जब उत्साह से लोग इसको स्वीकार करते हैं और भारी से भारी संख्या में पहुंचकर हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेते हैं। खुल गया, खुल गया, खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह के वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।